मिस्टर जयराम रमेश, मिस्टर जयराम रमेश आप यहाँ बैठे हो लेकिन पहले भी आप जयराम रमेश आपने काम किया, केयर इज हियर, उनका तो आदर कर लीजिए आप। केयर इज हियर, व्हाई आर यू शाउटिंग लाइक अ कमांडो? नहीं, व्हाई आर यू शाउटिंग लाइक अ कमांडो? खड़गे जी सुनिए, पहले मैं किसान वर्ग से आता हूँ, इसका मतलब नहीं, सुनिए, इसका मतलब नहीं कि मैं कमजोर चेयरमैन हूँ। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, आज का ये मौका बहुत संवेदनशील है, आज के मौके में नहीं, आपने मेरे दिल पर चोट की है। आई विल नॉट टॉलरेट एन इंसल्ट टू चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना, आवर हेड शुड गो इन शेम। मिस्टर जैन चौधरी, यू वांट टू से समथिंग? धन्यवाद सभापति जी, मैं आज आपके माध्यम से भारत सरकार द्वारा 9 फरवरी 2024 को लिए गए ऐतिहासिक फैसले के संबंध में अपनी बात रखना चाहूँगा। खास तौर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया, जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूँगा। सभापति जी, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुँची है, गांव-गांव में दिवाली मनाई गई है। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गांव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए। उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा, ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति, उनको सशक्त करने वाला फैसला। मैं अपील करता हूँ आप मिस्टर जयराम रमेश, मिस्टर जयराम रमेश आप यहाँ बैठे हो लेकिन पहले भी जयराम रमेश आपने काम किया, उनका तो आदर कर लीजिए आप। केयर इज हियर, चुनाव आते जाते रहते हैं, ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकेंड, टेक योर सीट। फर्स्ट विल यू टेक योर सीट? व्हाई आर यू शाउटिंग लाइक अ कमांडो? नहीं, व्हाई आर यू शाउटिंग लाइक अ कमांडो? सिट डाउन, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक प्रमोद जी, बैठिए। ऑनरेबल मेंबर्स सभापति जी, अगर मेरी बात दर्ज हो रही हो, मैं बात चालू, वन एट अ टाइम, लीडर ऑफ द अपोजिशन, डू यू वांट टू से आइदर कंट्रोल योर पीपल और प्लीज से समथिंग? श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, either control your people or you rise and address the house. I give you two options. What? No. Now sit down. Leader of the opposition is on the floor. No. एक मिनट. One second. But. No. सुनिए. Please. Everyone to Mr. Javadekar. No one will rise. No. Please. Before 1 minute only, sir. When Karpuri Thakur ji was conferred with the highest civilian order, Bharat Ratan, I looked Ramnath ji in the eyes and indicated that we are lucky to have his son here, though Karpuri Thakur did not belong to our family. Karpuri Thakur belonged to the entire nation. Achha. I respect him as much as you do. But since you were there,
आई गेव यू दैट अपॉर्चुनिटी. सिमिलरली चौधरी चरण सिंह डज नॉट बिलोंग टू वन फैमिली बट सिंस हिज ग्रैंडसन इज अ मेंबर ऑफ द हाउस इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस. प्लीज सर. यस यस मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे. मिस्टर खड़गे वन सेकेंड. मिस्टर खड़गे एंड आई प्लीड विद यू शुड बी इन दिस हाउस रेखा कंट्रोवर्सी. अब आप ही बात कर रहे तो मैं बैठ जाता हूँ. नहीं आप बोलिए. आप बोलिए. आप ही बैठिए. प्लीज सर हियर द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन रैप्ट अटेंशन. रैप्ट अटेंशन. देखिए ये खुशी की बात है कि भारत रत्न हमारे जितने भी लीडर्स थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, और जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, और जो फार्मर्स के बहुत लीडर बड़े लीडर थे और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, नरसिंह राव जिन्होंने प्रगति लाई वो भी है इसमें, उसके बाद सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है. हम सबको सैल्यूट करते हैं. लेकिन सैल्यूट करते हैं लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते चर्चा करते हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में. रूल बताओ. रूल बताओ. तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया. एक अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए. आप रूल एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं. ये अच्छा नहीं ना. आपको डिस्क्रिशन है. दैट डिस्क्रिशन शुड बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली नॉट एज एंड व्हेन यू वांट. सो माय रिक्वेस्ट इज दैट अनलेस नहीं तो भारत रत्न वालों को बोलिए. नहीं नहीं सुनिए. नहीं आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी इतना आई डोंट वांट टू यूज वर्ड्स. अरे सब no. के सब ने क्या. अरे मैं तो बोल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ. इसीलिए मैंने आपको बोल दिया. डोंट मेक पॉलिटिक्स. आई टोल्ड वी सैल्यूट ऑल द पीपल दोज हु हैव वर्क्ड फॉर दिस कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड. वी सैल्यूट देम. लेकिन द वे हियर द डिस्कशन इज गोइंग ऑन नाइदर यू आर फॉलोइंग द रूल्स नॉर यू हैव ब्रॉट दैट एजेंडा फॉर डिस्कशन. वी ऑल कुड हैव पार्टिसिपेटेड डिस्कशन ऑन भारत रत्न गिविंग टू द सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर एंटायर लाइफ फॉर द कंट्री. आपको एजेंडा भी नहीं है. सो मोटू उठा के बात कर रहे हैं. दैट इज नॉट फेयर एंड इट इज नॉट गुड. एंड इफ यू वॉन्ट टू फॉलो यू शुड फॉलो द रूल. जयराम समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद यू. सीरियसली प्लीज टेक योर सीट. टेक इट. I am giving floor. They don't want. Mr. Tiwari, they don't want to listen to you. Your people don't want to listen to you. They don't want to listen to you. Now. Sir, thank you, sir. Please, appeal to you. Please observe complete silence. Theek because hai. I am deeply hurt. I am deeply pained. I will first hear Mr. Pramod Tiwari. Theek and don't forget in the process the kind of language that has been used against me by leader of the opposition. Sir. I have done it more than dozen times in this house. I have yielded to the floor sentiment. Yes. ISRO. Mr. Shakti Singh Goyal, if you repeat Ramesh, I will go to the extreme step now. I will go to the extreme step. No, I will. Sir, I'm Kisan.
और किसान वर्ग का इतना असम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हैव इट फ्रॉम मी सर, मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने नहीं, तो नहीं, देंगे। भारत गांव और किसान में बसता है, एक किसान को सम्मान मिला और हाउस इस डिसऑर्डर में आ जाए, सर कितनी बड़ी पीड़ा होती है। मुझे बोलने तो दे सर। बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए, क्या है सर? मैं आपकी अनुमति से, मैं आभारी हूँ आपने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज एक बार हियर हिम आने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो जो कहा गया है उसको रखना चाहता हूँ। हमारे लीडर ने सबसे पहले सलूट किया है उन तीन लोगों को जिनको भारत रत्न दिया गया है। रेज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, डोंट मेक अ स्पीच। सर सर सुनिए, तो इन लोगों ने किया। प्रमोद तिवारी जी, मैंने सुना है जयराम रमेश ने जयंत को क्या नहीं, कहा? मैं एलओपी की बात कह रहा हूँ। क्या कहा जयंत को ऐसे मौके पर? अरे साहब जाए तो जाए, ये मुद्दा था क्या? मुद्दा था चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित होने का। यू आर अ पर्सन हु कैन फीस्ट ऑन द क्रीमेशन ग्राउंड, यू कैन फीस्ट इट। Yes, you said so. As a matter of fact, you do not deserve to be part of this house by this misconduct. You are hurting sentiments of millions and millions of farmers. You have gone to the extreme limit. I am from this seat. One second before that, खड़गे जी सुनिए पहले, मैं किसान वर्ग से आता हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं कमजोर चेयरमैन हूँ। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, आप कुछ भी मेरे बारे में कह देते हैं। यू से एनीथिंग यू लाइक, यू डोंट रीड दिस बुक, यू डोंट फॉलो प्रेसिडेंट्स। सर यू यूज एनी लैंग्वेज अगेंस्ट मी, समटाइम्स यू बिहेव लाइक अ टीचर एज इफ आई एम अ स्टूडेंट। नहीं सर, आज का ये मौका बहुत संवेदनशील है। आज के मौके में नहीं, आपने मेरे दिल पर चोट की है। एक 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 सभापति ने, सुनिए पहले, एक बैठिए, सुनिए, यू कैन रेज इट। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑन 9th फरवरी एट 7:43 PM आई गेट अ कम्युनिकेशन फ्रॉम एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जयंत चौधरी। He says, respected sir, as you all are aware, Chaudhary Charan Singh has been bestowed upon with Bharat Ratna, and this is a moment of immense pride for my family and the whole Kisan community that he fought for. I request you to grant me a couple of minutes in the parliament tomorrow to thank the government and the nation for bestowing this award as an honor to his legacy with thanks. Now, please don't interrupt. Now, in this house, there have been number of occasions with individual members also, which I have recognized without looking at the rule. We have honored our scientists for ISRO. We have honored our players. We have honored everyone who has brought laurel to this nation. Now imagine my plight, leader of the opposition, questioning me under which rule I want that someone should appreciate Bharat Ratna to Chaudhary Charan Singh. The rule is in me. I have done it consistently. I read rule books. Don't use this language, sir. Don't use this language. I don't want to create a bell. Don't use this language. No. I will not tolerate an insult to Chaudhary Charan Singh. I will not insult Chaudhary Charan Singh. Sir, sit down. Sit down, sir. No, not on this. No, I will not accommodate on this. Chaudhary Charan Singh stands for impeccable public life, unimpeachable integrity, unflinching commitment to farmer. दूरदर्शी सोच था उनका किसान और गांव के लिए। उनके विषय के ऊपर विवाद करना, प्रमोद जी आप किस हालत में पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहे हैं? नहीं, मुझे बताइए, इतना लंबा राजनीतिक जीवन आपका है,
उत्तर प्रदेश से आप आते हैं। चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि उत्तर प्रदेश और पूरा भारत रहा है, उनको भारत रत्न मिला हो इस विषय पर इस सदन में मेरे यहाँ बैठे हुए इस प्रकार का वातावरण हो। बोलिए, पहली बात लेटेस्ट हियरिंग। मैं पहली बात सब बहुत श्रद्धा के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिन तीन शख्सियतों को भारत रत्न से नवाजा। सर आप अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कीजिए। आई डोंट वांट एनी कवर अप। आई हैव सीन विद माय आईज। आई हैव सीन रकस, कियोस, शाउटिंग, स्लोगनियरिंग, कंडेमनेशन। आई हैव सीन इट विद माय आईज। मुझे अपनी बात तो कहने दें। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कीजिए। डोंट मेक अ स्पीच सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सॉरी ऑनरेबल मेंबर्स, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। लीडर बोले। No, Jairam, I'm not giving. Nothing will go on record, Jairam Ramesh. No, nothing will go on record. Meaning thereby, I must read the letter, satisfy Jairam Ramesh that what I am doing is right. Where are you doing it? Sir, you learn things now. I read it because you virtually inserted Chaudhary Charan Singh. You inserted his legacy. You had no time for Bharat Ratan Chaudhary Charan Singh. Aaj ke din har kisan ke dil par aap chot kar rahe ho. Uske dil ko dhaka rahe ho. Chaudhary Charan jaise vyaktitva ke upar is prakar ka vatavaran house mein karna. Our head should go in shame. मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं। नथिंग। आई गिव फ्लोर टू जैन चौधरी, प्लीज कंक्लूड योर ऑब्जर्वेशन। प्लीज नथिंग। नो प्रमोद, प्रमोद जी प्लीज हेल्प मी। नो सभापति जी, नो नथिंग एल्स विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट सर। आई हैव टेकन अ स्टैंड। ओनली जैन चौधरी विल कंप्लीट आफ्टर ही कंप्लीट्स। सॉरी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। जैन चौधरी प्लीज। सभापति जी, नहीं, आज मैं आई हैव गिवन प्रमोद जी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। सम्मानित प्रमोद जी, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। सांसदों के इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूं। आपने मेरी नहीं देश की भावनाओं को व्यक्त किया। सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर में ही बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि देश में जितने महान नेता आए हैं सब ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया है, सीखा है, प्रेरणाएं ली हैं। चौधरी चरण सिंह जी गांधीयन सिंप्लिसिटी को अपना असूल बना के उन्होंने जीवन जिया। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज को अपना उनकी मूल फिलॉसफी का वो हिस्सा और चरित्र का हिस्सा रहा। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, नैतिक, उनके चरित्रिक गुणों को उन्होंने अपने अंदर समाया। इस सदन के मान्य सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा जैसे इनकी राजनीतिक पहचान खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की पहचान भी खेती और किसानी और कामगार से जुड़ी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी जी में एक करिश्माई शक्ति थी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से गांव गांव से लोग चले आते थे। और मैं ये भी मानता हूं 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है।
सभापति जी, हम लोग नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे। कुछ लोग उनके अंदर भ्रम है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जाटों के नेता थे, सिर्फ किसानों की वकालत करते थे, ऐसा नहीं। वो विचारक थे और उनके इंटेलेक्चुअलिज्म पे जो टेरेंस जे बायर्स जो प्रोफेसर थे ओरिएंटल कॉलेज इन अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन स्कूल में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, उन्होंने किताब लिखी है चरण सिंह 1902 to 87 एन असेसमेंट। मैं उससे कोट करना चाहूँगा सर, चरण सिंह डिड हैव इंसाइसिव इंटेलिजेंस एंड ही अनडाउटेडली अप्लाइड इट टू अ कंटिन्यूइंग स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इन उत्तर प्रदेश। जजमेंट ऑन वेदर ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल ऑफ कोर्स टर्न्स टू वन डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। माई जजमेंट इज दैट ऑन द मोस्ट रिगरस डेफिनेशन चरण सिंह वॉज क्लियरली एन इंटेलेक्चुअल एंड नॉट ओनली दैट द मोस्ट अनयूजुअल वन। सर, जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है, मैं मानता हूं उससे दो बड़े काम हो जाते हैं। एक कि चौधरी साहब की लेगेसी को हम दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र उनके अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है, गांव में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिज्ञासा और भावना आपने पैदा की है, देश के अर्थशास्त्री और मुख्यधारा में जो लोग नीति निर्धारक हैं आपने दोबारा उनको कहा है कि चौधरी चरण सिंह को आप स्टडी कीजिए, अपने स्टडी में शामिल कीजिए, अपने अध्ययन और विचार अनुसंधान में शामिल कीजिए। दूसरा बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया भारत रत्न देकर, हौसला बढ़ाया। मैं मानता हूं कि ये एक महज पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान है। और मैं जानता हूं कि आज की जो जीवन समस्या देश के सामने और चुनौतियां हैं, किसानों की समस्या है, भारत रत्न देकर उनका हल नहीं निकलता, लेकिन आने वाले सालों में झोपड़ में पैदा होने वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, भारत रत्न उनको मिल सकता है, तो मैं भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हूं। ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं तो चाहता था कि क्योंकि चौधरी साहब मेरे अकेले नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, मैं अपील करता हूं कि उनके लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भी शक्तियां उनके साथ आईं, जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद हैं, उनको इस लेगेसी का हिस्सा वो भी हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है, कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे। और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। धन्यवाद।